अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, कैरियर्स हेड डेस्क की जानिब से। तो ये एक सऊदीया किंगडम अब्दुल अजीज किंगडम अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च इंटर्नशिप अनाउंस हुई, फुली फंडेड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी डिटेल्स देना है कि उसमें क्या क्या चीज़ कवर होगी और कैसे उसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स गिवन है। तो ये उनका ब्रोचर है जिसके अंदर, जिसको हम प्रॉस्पेक्टस का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप लोग रीड आउट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि VSPR का क्या मतलब है, विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च इंटर्नशिप्स के बारे में प्रोग्राम है ये। इसमें जो होम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, वो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड है, यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन है, सेंट्रल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ये UK की है। तो काफ़ी सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सेप्टेंस रेट कितना, 64% मेल का है और 36% फीमेल का है। 130 स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने हर साल सेलेक्ट करने होते हैं 60 कंट्रीज से। टॉप कंट्रीज इटली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, ये टॉप कंट्रीज हैं जहां पे ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज भी हैं और प्रेफरेंस भी दी जाती है। अभी आपको कवर क्या क्या करेगी, अप्लाई कैसे करना है, इसमें एलिजिबल कौन से हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं मास्टर के या बैचलर के, इनका थर्ड ईयर कम्प्लीट हो या इस वक्त थर्ड ईयर में, मिनिमम CGPA 3.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 आपका, और जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए आपको स्पोकन में और रिटन में भी। तो 3 to 6 मंथ की ये इंटर्नशिप्स है और एप्लीकेशन एक्सेप्टेड ईयर दी अराउंड तमाम जो है पूरा साल ये होती हैं, इसकी कोई डेडलाइन नहीं, आप किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, डॉक्यूमेंट्स की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मोटिवेशन का नाम देते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है और वैलिड पासपोर्ट, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये आपको देगी क्या चीज़, दी VSPR अपॉर्चुनिटी, ये आपको जो बेनिफिट्स हैं वो 1000 USD मंथली स्टाइफंड ये आपको दिया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा है, मच मैटर इनफ जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, वीज़ा एंड एयरफेयर ये भी आपके होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, कम्युनिटी रिसोर्सेज भी होंगी। तो ये इसके अंदर कवर किया, बाकी यहाँ पर डिटेल गिवन है। अब हम मेन वीडियो की तरफ चलते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे ही आप ये गूगल पे लिखते हैं कि KAUST इंटर्नशिप प्रोग्राम, जब आप लिखेंगे तो ये इनकी एक ऑफिशियल साइट यहाँ पे देखें, इंटर्नशिप VSRP KAUST आई वे, जब इसको आप ओपन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे लिखे ओपन होंगे, तकरीबन 152 प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वन बाय वन, आप अपनी फील्ड के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन कॉरल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन द रेड सी, जो इसकी प्रोग्राम है वो मैरीन साइंसेज से है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे बायो साइंसेज हैं। नीचे आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बायो साइंस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर है, एनर्जी रिसोर्सेज पेट्रोलियम है, आर्ट साइंस इंजीनियरिंग है, बायो साइंसेज है, यहाँ पे काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारी हैं। आप यहाँ पे वन बाय वन अपनी देख के जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, हम चलते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, मेरी केमिकल इंजीनियरिंग है तो मैं केमिकल साइंस को सिलेक्ट करके चलो देख लेता हूँ। आपने इस पर क्लिक करना, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर रीड मोड लिखा हुआ, आप इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, जब आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आपके सामने आएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, आई एक्नॉलेज्ड बाय सबमिटिंग दिस, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आया है साइन अप का, जहां पर आपने क्या करना है, अपना नेम देना है, आप देंगे मोहम्मद उस्मान, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी है जो भी आपकी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने क्या करना है, इसको सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक्स सिलेक्ट हो गया, केमिकल साइंस एक्सप्रेशन प्योरिफिकेशन ये आ गया, यूजर नेम जो आप देना चाहें, जो भी आप देना चाहें, अपना नाम भी दे सकते हैं, मोहम्मद उस्मान 006 आप कोई भी लगा सकते हैं ताकि जो आपके लिए आसानी हो, आपका डिफरेंट हो। अब आपने पासवर्ड क्या देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 to 30 कैरेक्टर, कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर एंड 1 लोअर केस लेटर, आप यहाँ पे लगाएं। आपने अपना पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपका अपडेट हो गया है, द न्यू पासवर्ड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट लिस्टेड, एंटर अ न्यू पासवर्ड इन द बोथ फील्ड। अब ये बता रहा है कि आपका जो पासवर्ड है वो नहीं हुआ, नंबर प्लान ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स भी आपने यूज करने हैं। तो
आपने पासवर्ड को दोबारा से करना है, क्लोज पे क्लिक करना है, सबमिट इन्फॉर्मेशन पे करना है। द पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, अपने पासवर्ड को करना है। पासवर्ड करने के बाद इसको दोबारा से प्रोसेस पे करना है। अगर तब तक पासवर्ड नहीं हुआ, जो भी आपका एरर होता है आपने वो ठीक करना है। वो ठीक करने के बाद आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे आप आके देखें, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रिंग योर इंटरेस्ट इन केएस इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्लीज लॉग इन एंड कम्प्लीट योर एप्लीकेशन। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने लॉग इन करना है। आप लॉग इन करेंगे, ये देखें यहाँ पे सब कुछ आ गया है। आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद क्या होगा, लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड देंगे, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये एक क्या हुआ है, एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है। जैसा कि देख रहे होंगे एप्लीकेशन जिप और प्रोसीजर कोड, ये आपका अपने वही प्रोसीजर कोड लिखना है जो आपके पास आपके स्थिति के करीब या जो भी पोस्टल ऑफिस है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, आपने वो लिखना है। जैसा कि मेरा 34201 है, आपने ये लिख देना है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये आपने यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। एग्री पर क्लिक करना है। आई हैव रीड दी कंप्लीट एंड कंटिन्यू एंड क्रिएट पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो होगा। जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे होंगे ये लिखा हुआ आया है स्टार्ट एप्लीकेशन। आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो है विजिटिंग स्टूडेंट्स आपके सामने तमाम सब कुछ आ गया। आप यहाँ पे देखें अब यहाँ पे आया है, या आपने रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे लिखा है लुक फॉरवर्ड टू वेलकम यू एज फुल अपना अपना। आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, हमने इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दी है। आपका नेम उस्मान मोहम्मद, आपने ये देना है। एज अ पासपोर्ट, जैसा कि पासपोर्ट पर लिखा हुआ होता है आपने वैसे यहाँ पे लिखना है। सेकंड नेम थर्ड नेम इसकी जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी एंटर हो चुकी है। डेट ऑफ बर्थ इन हिजरी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर में अब आपकी क्या बनती है ये आपने देख लेनी है। फॉर सऊदी सिटीजन ऑनली के लिए, ये आपके लिए नहीं है। जेंडर आपका मेल आ गया। सिटीजनशिप आपकी कौन सी है, आपने यहाँ से पाकिस्तान पर क्लिक करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल है मैरिड है। करने के बाद हाउ मैनी चिल्ड्रन, जीरो, आपने क्या कर देना है इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डिमांड की जाएगी जो आपने फिलअप करनी है। जैसा कि ईमेल, ईमेल आ गया है कन्फर्म ईमेल, आपने इसी को अपनी ईमेल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, सेम आपकी ईमेल होनी चाहिए। एड्रेस आपने अपना देना है, वो भी जो भी आपका बनता है, जो भी आपका पासपोर्ट पर लिखा हुआ हो आपने वो एड्रेस देना है। कोशिश कीजिएगा आपके पासपोर्ट पर या क्या बोलते हैं इसको, आपके आईडी कार्ड पे जो लिखा हुआ हो आपने वो देना है। वो देने के बाद आपका पोस्टल कोड आ गया है। ये जो है ना ये जस्ट कनाडा के लिए है, यूएस के लिए आप लोगों के लिए नहीं। आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना ऊपर वाला। आपका पोस्टल कोड ऑटोमेटिक आ गया, आपका फ़ोन नंबर आ गया जैसा कि मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो आपने इसी को यहाँ से, अगर तो आपके पास एक होम टेलीफोन नंबर है तो आपने वो दे देना है, वरना यहाँ पर आपने अपना टेलीफोन नंबर ही रिपीट कर देना है। यहाँ पर आपका पोस्टल कोड होगा, आपने पोस्टल कोड देना है। पोस्टल कोड देने के बाद एड्रेस वैलिड अंटिल, आप कब तक ये आपका वैलिड है। जैसा कि आपको पता है हमारे जो मोस्टली जो घर हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, एक ही घर परमानेंट होता है। तो आपने अपना थ्रू आउट दी कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद काफ़ी दूर तक जितने भी यहाँ पे गिवन है आपने सेलेक्ट अप कर लेने हैं। जहाँ तक भी है जो भी है आपने मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना। स्काइप यूज़र नेम आपका जो भी है आपने वो देना है। मेरा है यू मोहम्मद 185। मेरा ये है। तो फेसबुक यूआरएल अगर आप देना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अब एक नया फॉर्म सामने आएगा जो आपने फिलअप करना होगा। जैसा कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी स्टैरिक नहीं बना हुआ। जिसके ऊपर स्टैरिक होता है वो कॉन्टैक्ट जो होते हैं आपने देने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें नहीं लिखा हुआ, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आपने इसको कुछ नहीं करना, आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। जब आप एजुकेशन पे क्लिक करते हैं ये देखें रिलेशनशिप आर रिक्वायर्ड फील्ड, ये आपके रिक्वायर्ड है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको फिलअप करना है, उनका ईमेल एड्रेस देना है, सब कुछ देना है। जैसा कि वहाँ पर स्टडी ने बना हुआ था लेकिन ये कह रहा है कि हमें डिमांड है, हमने इसको करना है। आपने इसको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। अब हम चलते हैं एजुकेशन की तरफ, क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास ओपन होता है।
ये देखें आपकी एजुकेशन की, अब एजुकेशन में आपने क्या करना है, सिंपल बहुत एड्रेस है, डिग्री टाइप आपकी कौन सी है, बीए बीए बीबीए बीए इंजीनियरिंग बीएस है बीटेक जो भी है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, जैसा भी आपका बनता है जो भी बनता है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, आपका मेजर क्या था केमिकल इंजीनियरिंग जो भी, यहाँ पे आप देखें काफी सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं, आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है, मेजर सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज कोड आप जब इस पर लॉगअप पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलेज कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, केमिकल सॉरी केमिस्ट्री पे क्लिक हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग आ गया है, लुकअप द कोड, प्लीज यूज द फील्ड बिलो, परफॉर्म यू सर्च प्लीज यूज द फील्ड बिलो, जो भी है नेम आपका मोहम्मद उस्मान, एड्रेस ये आ गया, स्टेट ये आ गई, कंट्री पाकिस्तान आ गया, आपने सर्च पे क्लिक करना है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये जो है ये यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, मैंने यहाँ पे गलत डिटेल दी है। नो रिकॉर्ड फाउंड, जैसा कि आया यहाँ पे आपने कॉलेज कोड कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर, तो ये देखें यहाँ पे कोड जैसा कि गिवन है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे दें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यहाँ से आप कंट्री दें पाकिस्तान, सिटी गुजरात, आपने क्या करना है सर्च पे क्लिक करना है। जब सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास एक कोड आया है आपकी यूनिवर्सिटी का, आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है, आपका कोड ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक कार्ड ऐड हो गया जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है। आपका कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान आ जाएगा, स्टेट आपका आ गया जो भी है पंजाब है, सिटी गुजरात है, जिप कोड आपने उसका देना है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, डेट अटेंड टू अटेंड आपने कब से स्टार्ट किया और कब तक आपकी एंड होगी, एक्चुअल एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट डेट और आप कब की फाइनल हो जाएगी आपकी, ओवरऑल ग्रेजुएट पॉइंट 3.5 आउट ऑफ 4 जितने भी आपकी बनती है यहाँ पे आपने लिखना है, 3.4 आउट ऑफ 5 जितनी भी बनती है, जैसा कि मैंने बताया कि 3.5 यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर है। इन इंग्लिश डिपेंडेंट लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन यस आपने करना है हमारे पास है। इसको करने के बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ में भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है अपना ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड आर सस्पेंडेड फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, क्या आप हुए हैं, आपने नो पे क्लिक कर देंगे, अगर आप यस करेंगे तो ये आपका बैड इंपैक्ट जाएगा। तो ये है अनदर यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी टू के बारे में, जैसा कि बीएस के वाले लोगों ने एमएस भी किया हुआ होगा तो ये उनके लिए जिन्होंने बीएस किया हुआ है उनको ये फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट यही करेंगे एमएस वाले इसको करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कि अब क्या ओपन होगा। असल में नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है कुछ दिनों से, जिसकी वजह से मैं एक्टिव भी नहीं हो सका, ना ग्रुप में आ सका हूँ ना चैनल पे आ सका हूँ। तो ये देखिए आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी रेज्यूमे आपने अपलोड करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में हो सकती है, स्टूडेंट पर्पज आपने मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है, पासपोर्ट नंबर आपने अपना देना है, पासपोर्ट इशू डेट कब हुआ, पासपोर्ट एक्सपायर कब हुआ, पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है, रिकमेंडर जो है आपका जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर दिया आपने उसका नेम लिखना है, ई मेल एड्रेस देनी है और यहाँ पे उसका रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने क्या क्लिक करना है, देखना है ट्रैवल डिटेल्स पे। जब आप ट्रैवल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे कुछ डिमांड करेंगे चीज़ें, जैसा कि ये देखिए आपने रिलीजन पे क्लिक करना है, रिलीजन आपका क्या है मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम है तो आपने मुस्लिम करना है, नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम करना है। इज़ अ वीज़ा रिक्वायर्ड, यस बिल्कुल वीज़ा रिक्वायर्ड, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास तो वीज़ा नहीं है, आपने यस पे क्लिक कर देना है। डिपार्चर पॉइंट कहाँ से आपने जाना है, आपने यहाँ पे पाकिस्तान क्लिक कर लेना है। डिपार्चर सिटी ये कहाँ से आप, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। वीजा पिकअप लोकेशन कंट्री आपने कहाँ से करना है, पाकिस्तान से, वीजा पिकअप लोकेशन सिटी जो भी होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है आपके नज़दीक जो भी हो। एक्सपेक्टेड अराइवल डेट आप कब से कब तक वहाँ पे अवेलेबल हैं ये आपने अपनी खुद देनी है, और एक्सेप्टेड डिपार्चर डेट जो भी ये आपने खुद से देनी है कि आपके पास किस वक्त टाइम अवेलेबल है। तो कोशिश कीजिएगा, ये समर इंटर्नशिप होती है तो आप कोशिश करें आपकी समर्स की हो जो मई से लेके सितंबर के दरमियान कोई भी आप यहाँ पे डेट रखें तो ज़्यादा फिजिबल हैं, उनको समर इंटर्नशिप्स हैं, समर की वही वोकेशन होती हैं। इसके बाद करने के बाद एंड पे क्या होगा, जस्ट आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो जस्ट ये था ये। अब अगर आपने सबमिट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं चेक योर एप्लीकेशन, आपको यहाँ से अपने स्टेटस के बारे में भी पता चल जाएगा। बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, फुली फाइनेंशियल इंटर्नशिप है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ इसका फायदा क्या है ये देखें। बेनिफिट्स में लिखा हुआ है 100 USD 1000 USD मंथली स्टाइपेंड जो आपको दिया जाएगा, जो पाकिस्तान का तकरीबन कितना बनता है अगर हम इसको देखें तो ये आपका बनता है तकरीबन
$1,000 टू पीकेआर। अगर हम पीकेआर की बात करें ये देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये आपका बनता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। 1,41,632 रुपए आपको मंथली स्टाइफंड दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट बेडरूम, वीजा एंड एयर फीस ये भी दी जाएंगी, हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, कम्युनिटी रिसोर्सेज। बहुत अच्छी इंटर्नशिप है, बहुत अच्छी इंटर्नशिप है। मैं आप लोगों को सबको रेकमेंड करूंगा कि जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट या मास्टर के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, जो इस वक्त अंडर स्टडी हैं, वो लाजमी इसके अंदर अप्लाई करें। तो इसका जो है मैं आपको वीडियो के एंड पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक भी होगा, आप लोग इसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कल इंशाल्लाह रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव सेशन भी होगा, इसके अंदर हम काफ़ी सारे डिस्कशंस करेंगे, मोटिवेशन स्पीच भी होगी थोड़ी सी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें वहाँ पे भी ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो का मकसद बस यही आप लोगों को बताना था कि आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।